जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र को बड़ी सफलता हाथ लगी। दो व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं और एटीएम में फ्रॉड करके पैसा निकाल लेते थे। ये लोग कल बिलारी में एक एटीएम पर आए थे। वहां पर जो व्यक्ति पैसा निकालने आते थे उनके साथ ये फ्रॉड करते थे। ये व्यक्ति फ्रॉड करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया जो एटीएम मशीन होती है जहाँ पर आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पर ये फेविक्विक लगा देते थे। फेविक्विक लगाने से जो एटीएम होता है वह उसमें फंस जाता था, जिस कारण फंस जाने पर निकल नहीं पाता था। और इस तरह की ये जो घटना है वे कई जनपदों में कर चुके थे। ये काफ़ी शातिर लोग हैं और काफ़ी लंबे समय से इस कार्य में सक्रिय हैं। इन्होंने करीब गौतम बुद्ध नगर के अंदर कम से कम 10 से 12 घटनाओं को अंजाम दिया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि गाजियाबाद में भी इन्होंने 5 से 6 घटनाओं को अंजाम दिया। इसके अलावा मुरादाबाद जनपद में भी इन्होंने कई थानों के अंदर घटनाओं को अंजाम दिया। फैजान इसके अंदर मास्टरमाइंड है और ये पहले भी जेल जा चुका है। इंदिरापुरम के अंदर फर्जी आधार कार्ड भी बनाते हैं। कल मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दो व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं और एटीएम में फ्रॉड करके पैसा निकाल लेते थे। ये लोग कल बिलारी में एक एटीएम पर आए थे। वहाँ पर ये इन्होंने मतलब जो व्यक्ति पैसा निकालने आते हैं उनके साथ ये फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करते हुए ये रंगे हाथों पकड़े गए दोनों। इनसे जो पूछताछ में पता चला तो इन्होंने बताया कि ये एटीएम जो मशीन होती है जहाँ पे आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पे ये फेविक्विक लगा देते थे। फेविक्विक लगाने से वो जो एटीएम होता था वो उसमें फंस जाता था और फंस जाने पर जब वो फंस जाता था निकल नहीं पाता था तो ये वहीं आसपास खड़े रहते थे। ये वहाँ पहुँच जाते थे कि सर क्या हुआ, तो कहते मेरा एटीएम कार्ड फंस गया है। तो ये कहते थे कि सर हमारा भी अभी थोड़ी देर पहले फंसा था एटीएम कार्ड, तो हम बैंक मैनेजर के पास गए वहाँ गार्ड के पास और वहाँ से उनको बुला के लाए तब एटीएम कार्ड निकल रहा। और लेकिन एक और तरीके से भी निकल सकता है, इसके अंदर आप अपना पिन कार्ड वापस डालिए, जिनका पासवर्ड होता है एटीएम का वो आप डालिए तो ये हो सकता है फिर निकल जाए। तो जब वो पासवर्ड डालता था तो ये पासवर्ड रीड कर लेते थे उसको, और फिर जब वो तब भी नहीं निकलता था तो ये फिर वो जो व्यक्ति जिसका एटीएम कार्ड फंसा हुआ था एटीएम मशीन के अंदर तो वो अंदर जाता था बैंक में, उससे फिर ये उसी दौरान एटीएम कार्ड निकाल के वहाँ से फरार होकर दूसरी जगह एटीएम लगाकर पैसा निकाल लेते थे। और इस तरह की ये जो घटनाएँ हैं कई जनपदों में कर चुके थे। ये काफ़ी शातिर लोग हैं और काफ़ी लंबे समय से इस कार्य में सक्रिय हैं। इन्होंने करीब गौतम बुद्ध नगर के अंदर कम से कम 10 से 12 घटनाओं को अंजाम दिया है। पूछताछ में इन्होंने बताया गाजियाबाद में भी इन्होंने 5 से 6 घटनाओं को अंजाम दिया है। उसके अलावा मुरादाबाद जनपद में भी इन्होंने कई थानों के अंदर घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें कटघर है, मझोला है, मैनाठेर है घटना। तो ये काफ़ी एक्टिव था और इस गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो है फैजान इसके अंदर का मास्टरमाइंड है और ये पहले भी जेल जा चुका है। इंदिरापुरम के अंदर, इंदिरापुरम में पहले भी जेल गया है और अभी इसमें फर्जी आधार कार्ड भी बनाते हैं। ये फर्जी आधार कार्ड बनाकर ये एटीएम जारी करवाना, अकाउंट खुलवाना, कई तरह के मतलब 420 वाले कार्य करते हैं। इनके पास से करीब 9000 रुपये नकद बरामद हुआ, फर्जी एटीएम्स बरामद हुए, आधार कार्ड बरामद हुए, अवैध तवंचा मिला है इनके पास। और ये बताया इन्होंने कि इनसे जब पूछताछ की गई भैया आप ये तवंचा क्यों रखते हो, तो ये कहते हैं जो अगर कोई हमारा पीछा करता है तो हम हमारा तवंचा दिखा कर उसको डरा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। ये दो एक्यूज्ड पकड़े गए हैं और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। इनके और कौन कौन साथी इस गैंग में एक्टिव है